नमस्ते, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेडिस्टार पर। आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे कि क्लिनिक तथा मेडिकल की जो सेल्स है 10 गुना तक जो है किस तरीके से आप जो है बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप जो है छोटे एरिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, जो मतलब जो है बहुत बड़े लेवल पर हैं, मतलब जिनके क्लिनिक ऑलरेडी जो है ग्रो हो चुकी है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह चला रहे हैं, बहुत बड़ी क्लिनिक उनकी है, उनके लिए ये वीडियो नहीं होने वाली है। बेसिकली हमारे भाई कुछ ऐसे हैं जो कि ग्रामीण एरिया में जो है प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, तो ऐसे में उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन ये जो है मेडिकल की सेल्स की बात इसमें की जाएगी, तो ये जो है हर एक मेडिकल स्टोर वालों के लिए भी जो है काफ़ी खास होने वाली है यह वीडियो। सो जो है थोड़ा सा समय निकाल कर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आज आपको काफ़ी कुछ जो है जानकारी मिलने वाली है। सिंपल है, कस्टमर रिलेशनशिप, इसके बारे में सब लोग बात करते हैं लेकिन इसमें कुछ अलग बात की गई है। बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझिए। एक कस्टमर है, सपोज करो ये जो है कस्टमर है, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, आप क्लिनिक के मतलब मालिक हो, डॉक्टर हो, ठीक है। सिंपल है, आप क्लिनिक का उदाहरण छोड़ करके आप कोई नॉर्मल दुकान का उदाहरण देखिए, ठीक है, एक कस्टमर है उसी दुकान पर जाएगा सामान लेने। सपोज करो एक कस्टमर आया मार्केट में, कहीं से कोई सामान लिया, ठीक है, और ये जो दुकानदार है ये काफी प्रेम से इससे बोला, कस्टमर से काफी प्रेम से बोला, ये कस्टमर जब दोबारा आएगा सामान लेने तो उसका जो माइंड है कहेगा कि उसी दुकान पर चलिए जहां से पहले आप लिए थे, ठीक है। तो कस्टमर लोगों का माइंडसेट ये होता है, जहां से एक बार वो दवा लेते हैं वहीं पर वो जाते रहते हैं, ठीक है। आप अपने मार्केट में देखे होंगे कि आप जो है मान लीजिए नई क्लिनिक खोल कर बैठे हैं या फिर किसी भी तरीके से बैठे हैं, तो कस्टमर आता है तो अपने पुरानी वाली दुकान पर ही चला जाता है, जहां से वो दवा लेता है वहीं पर ही जाता है, उसको छोड़कर आपके पास नहीं आता है, बेशक आप जो है उससे कम रेट में दवा वगैरह दें, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा प्रचार प्रसार करना होगा, लोगों को मतलब जानकारी होनी चाहिए आपके यहाँ हर एक बीमारी का इलाज होता है और आप जो है रेट भी लोगों से कम लेते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट यही था, कस्टमर्स उसी क्लिनिक पर रिपीट करते हैं जहाँ से वो बार बार सामान लेते हैं। पेशेंट को अपने क्लिनिक के साथ जोड़ें, ठीक है। अपने क्लिनिक के साथ जोड़ने के लिए आप अपना व्यवहार अच्छा रख सकते हैं। जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप क्या करेंगे, उसको बैठाएंगे आराम से, फिर डिस्कस करेंगे उसको क्या दिक्कत है, उसको काफ़ी डिटेल में समझाएंगे। इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आपको नॉलेज कहाँ से होगी, बुक पढ़ने से होगी, हमारी वीडियो देखने से होगी, तथा अन्य जो मेडिकल के चैनल हैं उनकी वीडियो देखने से आपको नॉलेज बढ़ेगी। जब आप जानते रहेंगे तभी तो आप जो है सामने वाले कस्टमर को समझा पाएंगे। आप अपना एक जो है इमेज, आप अपना क्या है इमेज जो है सामने वाले कस्टमर के माइंड में छोड़िए, ठीक है, तभी जो है वो आपसे जुड़ पाएगा, तभी जो हो वो बार बार आपके ही जो है शॉप पर आएगा, मतलब आपके ही क्लिनिक पर आएगा। मेरा पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि कस्टमर से जिस तरीके से हो सके रिलेशनशिप बना के रखिए, ठीक है, समझ में आई बात। ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ। सिंपल है, शॉप मार्केटिंग, इसको भी हम आपको डिस्कस करके समझा देते हैं। अब शॉप मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, दूर से देखने पर ही पता चले कि क्लिनिक है। ओके, आप अपने शॉप को किसी भी जो है मार्केट में, अगर आपकी शॉप है आपकी क्लिनिक है, तो आप कुछ ऐसा करिए जिससे जो है 1-1.5 किलोमीटर दूर से ही पता चले, ठीक है, मतलब काफी दूर से ही पता चले कि वहां पे जो है क्लिनिक है। मतलब मार्केट में अगर कोई व्यक्ति इंटर करता है आपकी दुकान से 1 किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर है, फिर भी उसको पता चलनी चाहिए वहां एक क्लिनिक है, ठीक है, उसको दूर से ही दिखना चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे, बड़ा बोर्ड लगाएंगे, जो बोर्ड है वो ऊंचा होना चाहिए, ठीक है, उस पर क्या है क्लिनिक का नाम रेड कलर से लिखवाएं, वो जो बोर्ड है रेड कलर से लिखवाएंगे। ध्यान दें ए कि रेड कलर जो है काफी दूर से दिखाई देता है, तो आप रेड कलर से लिखवाएंगे काफी मोटे अक्षरों में, काफी क्लियर तरीके से, ठीक है, और बहुत ही ऊंचा होना चाहिए आपका बोर्ड, ठीक है, और बड़ा होना चाहिए जिससे लोगों को दूर से ही मतलब पता चल सके जो है फला क्लिनिक फला जगह है, ठीक है। और वहां पे आप कुछ इस तरीके से लिखवाइए, मतलब यहाँ पे जो भी इलाज होता है उसको आप मेंशन करिए, वहाँ पे दूर से ही लोगों को पता चले हाँ वहाँ क्लिनिक है, ये चीज होता है, ठीक है। इससे क्या है आपके पास कस्टमर्स आएंगे और आपकी जो है सेल्स बढ़ेगी,
मेरा मेन उद्देश्य है इसमें आपकी सेल्स बढ़वाना, आपकी जो है कमाई को इंक्रीज करवाना, ठीक है? समझ में आ रही बात, इतना आपको करना पड़ेगा। एक काम और आप कर सकते हैं, क्लिनिक का जो नाम हो यूनिक हो, ठीक है? उस नाम से उस मार्केट में या फिर 2-4-10 किलोमीटर के एरिया में उस नाम से कोई अन्य क्लिनिक ना हो, ठीक है? समझ रहे हैं? आपको एक हम नाम सजेस्ट करते हैं, जरा हमें कमेंट करके बताइए। एक हम नाम सजेस्ट करते हैं अगम्य, अगम्य, ठीक है? AGAMY, अगम्य फार्मा नाम से आप रख सकते हैं, या फिर अगम्य क्लिनिक, ठीक है? अगम्य क्लिनिक नाम से आप अपने जो है शॉप का नाम रख सकते हैं। थोड़ा सा यूनिक है और हमें उम्मीद है कि इस नाम की जो है क्लिनिक्स जो है आपके मार्केट में कम होगी। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी जो मार्केट है उसमें अगम्य क्लिनिक नाम से कोई क्लिनिक है या नहीं है, ठीक है? आप नीचे कमेंट करें, आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं हम। ओके, ठीक है। क्लिनिक का नाम आपका यूनिक होना चाहिए। बोर्ड पर लिखवाएं कि यहाँ जो है किस किस चीज का जो है इलाज किया जाता है। अपने फीचर्स के बारे में उस पर मेंशन करिए बोर्ड पर, दूर से ही देखने पर लोगों को पता चले यहाँ पे जो है किस किस चीज का इलाज होता है। क्लिनिक में आपको साफ सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लिनिक में घुसने के बाद आदमी को ये ना जो है एहसास हो कि यहाँ पर जो है साफ सफाई की कमी है। क्लिनिक चमकदार होनी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। क्लिनिक में अगर एक बार पेशेंट घुसता है तो उसकी जो है मतलब कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए, उसका अट्रैक्शन खींचना चाहिए, ठीक है? क्लिनिक ऐसी हो जो उसका अट्रैक्शन खींचे मरीज का, ठीक है? उसको लगे कि क्लिनिक साफ सफाई रहेगी क्लिनिक में, तो उसका अट्रैक्शन ऑटोमेटिक आपकी क्लिनिक की तरफ जो है जाएगा, और एक बार आ गया और एक बार ठीक हो गया तो दोबारा भी आपकी ही क्लिनिक पर आएगा, ठीक है? और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिए हो और वीडियो जरा सा भी अच्छी लग रही हो तो एक लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन दुगना हो जाता है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। सिंपल है, पर्सनालिटी सही रखें। आपको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना होगा। वैसे तो अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट सर्च करते हैं यूट्यूब पर तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज आपको उपलब्ध हो जाएंगे, बट यहाँ जो है हम कुछ बता देते हैं कि खुद को आप साफ सफाई रखेंगे, खुद को साफ रखेंगे, जितना अच्छे तरीके से क्लीन कर पाए खुद को उतना अच्छे तरीके से करेंगे। अब क्लीन करने का मतलब ये है कि सुबह में आप नहा धो करके जाते हैं, लेकिन क्लीनिंग में आपको पसीना होता है, उसके बाद 2 घंटे बाद आपके जो है बॉडी से पसीने की बदबू आती है। अगर कोई पेशेंट आता है तो उसके माइंड पे गलत इम्पैक्ट जाएगा, क्योंकि वो जो है आपसे बात तो करेगा, आप अपनी बीमारी के बारे में बताएगा, लेकिन पसीने की बदबू उसको कहीं ना कहीं जो है मतलब प्रभावित करेगी, कहीं ना कहीं इरिटेट करेगी पेशेंट को, ठीक है? सो आप खुद को इतना ज़्यादा साफ सफाई रखें कि कुछ भी दिक्कत ना होने पाए। जिस कलर का सूज हो उसी कलर का बेल्ट पहने, ये साइकोलॉजिकल जो है मतलब सिद्ध हो चुका है। जिस कलर का जो है सूज रहेगा उसी कलर का बेल्ट रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहता है, ऐसा माना गया है। कपड़े सेम कलर के हों, अगर शर्ट जो है व्हाइट होगा तो आप जो है पैंट को भी व्हाइट ही पहने, ठीक है? तो इस तरीके से अगर कॉम्बिनेशन करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी कुछ जो है अलग रहेगी, आप जो है लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच पाएंगे, ठीक है? सिंपल है, पेशेंट की नीड को भी आपको समझना जरूरी है। मरीज को जो चाहिए उसे वही दें। सिंपल, आपको एक और एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। अगर आपका मेडिकल स्टोर है, ठीक है, पेशेंट आकर के मांगता है क्या? पेशेंट आकर के मांगता है ओमनी जेल, ठीक है? हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जस्ट एग्जाम्पल है, ओमनी जेल मांगता है, लेकिन आप उसको क्या दे रहे हैं? सोमो जेल दे रहे हैं, कह रहे हैं सेम वही चीज है। आप उसको सोमो जेल पकड़ा करके बोल रहे हैं सेम वही चीज है। ओमनी जेल से अच्छा काम करता है, काफी लोगों को जो है मैंने ये बोलते हुए देखा है, ठीक है? अपने जो है प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं किसी भी तरीके से जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, ठीक है? तो ऐसे में पेशेंट जो है, पेशेंट है या फिर कोई कस्टमर है, उसके दिमाग में गलत इम्पैक्ट जाएगा। तो सिंपल है, अगर नहीं है तो बोल दीजिए नहीं है, अगर है तो दीजिए, ठीक है? मरीज को जो चाहिए उसे वही देंगे, तभी सही होगा। मरीज को बुखार है, ठीक है, मरीज को बुखार है और आप उसको जो है पेट दर्द की दवा दे रहे हैं, कैसे चलेगा, ठीक? जो मरीज की रियल जरूरत है आप उसको वही दें, ठीक है? मरीज को बुखार है, जनरली आप जो है उसको पेन किलर, एंटीबायोटिक्स और एक मतलब H2 ब्लॉकर या PPI वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, काम बन जाएगा। बट कुछ लोग हैं उसमें MBI ऐड करते हैं बिना जरूरत के, MBI कैप्सूल ऐड करेंगे, MBI सिरप ऐड करेंगे, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो पेशेंट आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है? कस्टमर्स को समझाएं, सबसे अच्छा पॉइंट ये है,
आप अपने कस्टमर्स को समझा सकते हैं। टेस्ट के लिए बताएं, आपके पास कोई कस्टमर्स आता है तो आप उसको बताएं, सपोज करो किसी को फीवर वगैरह है पिछले 1 हफ्ते से, ठीक है, और खांसी वगैरह भी चल रही है, उसके मतलब जोड़ों वगैरह में दर्द हो रहा है, तो आप उसका टेस्ट वगैरह करवाएंगे, ठीक है। उससे बोल दें कि आपको टेस्ट करवाना पड़ेगा, कुछ जो है ब्लड टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा, तभी जो है क्लियर होगा, तभी जो है सही दवा दी जा सकती है और तभी आपको आराम मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से जो है अंधेरे घर में तीर चलाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये सब आप समझाएं, जितना अच्छे तरीके से आप बोल पाएंगे, समझा पाएंगे, उतने ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर पाएंगे जो है पेशेंट को। ट्रीटमेंट के लिए भी बताएं, जब टेस्ट करवा के आता है पेशेंट, उसमें जो भी निकलता है उसके बारे में आप उसको समझाइए। जब आपके पास नॉलेज रहेगा तभी समझाएंगे, और आपके पास नॉलेज हमारी वीडियो को देखकर ही आएगा, ठीक है, और कुछ बुक्स पढ़ाएंगे पढ़ेंगे तभी आपको जो है नॉलेज आएगा। तो ट्रीटमेंट के लिए भी समझा सकते हैं, इंजेक्शन लगेगा, कमर पे लगेगा, 3रे दिन लगेगा, 10वें दिन लगेगा, जो भी है आपको जो भी बोलना है बोलिए। सो आज की वीडियो में इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही था।